दोस्तों हम आपको आज लेकर आए ऐसे मंदिर जो आपने शायद कभी नहीं देखा होगा। बहुत मजा आ रहा है यार, काश मैं नहा पाता सच में। दोस्तों ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं हमारी डेस्टिनेशन पे, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, पर उम्मीद है कि आपको भी मजा आएगा जितना हमको आएगा। हमने भी पहली बार जा रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड है हमारे लिए, कैसी की जगह होगी। एक बार पहुंच जाए फिर आपको काफी डिटेल में बताएंगे। देखिए आगे से एक बहुत ज्यादा यात्रा आ रही है दोस्तों, इतनी भीड़ है आज, गलत दिन आ गए हम लोग। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए भाई साहब, ओ बाप रे, हमको तो यहीं से लौटना पड़ेगा लगता है। कितने लगाए गाड़ी और आगे ले चले अपन तो काय मध्य, इतने परेशान हो रहे हैं। सचू हो जाए हम तो जे तो दोस्तों ये जगह है और बहुत भीड़ हो रही है यार। देखो हम शायद गलत दिन आ गए, आज मेला भरा है। और ये देखो नदी बहती हुई आ रही है, इधर से मिल रही है एक नदी, इधर से आ रही है। उम्मीद दी दिन एक और उल्टी बार उल्टी कर दी है, पता नहीं क्या मौसम सीखने से। हाँ बैग दे, हाँ आज दिन तो अच्छा था फिर भी। दोस्तों गजब भीड़ है यार, यहीं से हमको डर लग रहा है, हमको इतनी भीड़ की आदत नहीं है। पहले गेट लगा दें तो गेट रोड पे खुल रहा है। दोस्तों ये है शमशान घाट और ये नदी बहती आ रही है, देखो यहाँ से एक झरना है ये बहता हुआ आ रहा है इधर से। दोस्तों मेला भरा है, सावन का मेला जिसे कहते हैं। देखो फूल पत्तियां बिक रही हैं, ये देखो आनंद तो आ रहा है। देखो मनपसंद घड़ी 50 रुपए में, मनपसंद घड़ी 100 रुपए में, मनपसंद घड़ी 50 रुपए में, मनपसंद घड़ी 100 रुपए में, 100 रुपए, 100 रुपए। ये देखो ये जो जगह है इंदौर से 85 किलोमीटर दूर है और ये प्राचीन तीर्थ स्थल जिसका नाम है गंगा महादेव। आओ आपको दिखाते हैं। रचना बच्चों के साथ अब सीढ़ी उतरनी पड़ेगी, तो ये है रास्ता। तो दोस्तों नीचे है भाई, कितना नीचे, कितनी सीढ़ी होंगी, 50 तक। चलो नहीं यार भगवान से चढ़ना भी पड़ेगा, उतना ही इधर से चढ़ने का है, इधर से उतरने का है। बहुत नीचे है क्या, जरा सी दूर है। आजा बेटा आजा, आराम से चले ना। दोस्तों देखो कितना अमेजिंग व्यू है यार, घने जंगलों के बीच में चारों तरफ हरियाली हरियाली। अरे दोस्तों बहुत ही प्यारी आवाज आ रही है, हो सकता है नॉइस हो, मगर नॉइस नहीं है कह सकते, चल हो सकता है। देखो आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं, वो देखो व्यू, ये देखो, हो वाओ ब्यूटीफुल है रचना, बहुत प्यारा है भाई साहब, मजेदार। काश हम यहाँ नहा पाते, हमारे बच्चे देखो यहाँ नहा रहे हैं लोग बस। ये देखो बस बीच है फुल, हाँ आराम से चलो, आप आराम से आओ देवी जी। ओहो मजे ही मजे, वो देखो उधर, ये देखो ब्यूटीफुल यार, तो ऊपर से भी पानी गिर रहा है, देखना देखना फिसलन है। तो देखो
तो दोस्तों देखो मेस्मराइजिंग व्यू है, देखो अच्छा दादा और फोटो लेना बहुत मजा आ रहा है यार, काश मैं नहा पाता, सच में इतनी उमस हो रही है, पता नहीं आवाज आ भी रही कि नहीं हमारी, क्यों रखना रचना को डर लग रहा है कि बच्चे छोटे छोटे हैं। और वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मंदिर है और यहाँ पे लोग नहा रहे हैं, नहा भी सकते हैं, यहाँ से नहाने का है। गीत कैसा लग रहा है? अच्छा मजा आ रहा है, जहाँ नहाना है आपको और पापा मम्मा सब नहाएंगे। तो दोस्तों रीत गीत कह रही है, रीत मीत मम्मी पापा सब नहाएंगे, अंकल भी नहाएंगे, अंकल भी नहाएंगे। देखो गीत अभी उधर नहीं जा रहा, देखो ये व्यू देखो पीछे से, एक बार तो जरूर आना चाहिए इतने अच्छी जगह पे। दोस्तों ये है मंदिर, देखिए आपको पहाड़ों के नीचे महादेव विराजे हैं और जल चढ़ाने का सौभाग्य मिल रहा है, लोग जल चढ़ा भी रहे हैं और देखो कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ से। देखो अच्छा वहाँ से देखो, पीछे मुंडी करो, इधर मुंडी करो, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है रचना? मुझे बहुत अच्छा लगता है पुराने मंदिरों में, भोपाल में तो मुझे पता था, इंदौर में हम नहीं जा पाते। तो दोस्तों यहाँ से नज़ारा देखो, अब ये कैमरा गया, ये व्यू है भाई साहब, मैंने भी लगाया। तो हम आपको आज लेकर आए ऐसे मंदिर जो आपने शायद कभी नहीं देखा होगा, आप अगर इंदौर के हैं या इंदौर के दूर के भी हैं तो आपको जीवन में अवश्य ऐसे मंदिर आना चाहिए। हाँ रीत भी यही कह रही है, क्या कह रहा है रीत? आना चाहिए हाँ, जिससे कि जल चढ़ा सकें। ये हम लेके नहीं आए थे, यहीं अरेंज किया है, देखो पानी आ पाएगा कि नहीं, मैं कहीं गिर ना जाऊं। महाराज जी तो यहाँ से जल भर लिया है मैंने और अब महादेव को जल चढ़वाते हैं रचना के हाथों, वो रचना बैठी दोनों बच्चों को लेके। हाँ इतनी दूर आए हैं, पता नहीं कितना प्राचीन मंदिर है यहाँ, लोगों को खुद नहीं पता, हमने कई लोगों को पूछा तो कई सालों से 150-200 सालों का पुराना है, क्योंकि ये इतना पुराना है इसीलिए। हर हर महादेव, एक कमेंट में तो आज बनता है दोस्तों, हर हर महादेव। रचना रचना ने मेहनत करवा ली आज। ओम नमः शिवाय, देखो महादेव बैठे हैं, परिवार ने यहाँ पे जल चढ़ाया, धन्यवाद पंडित जी ने यहाँ पे हमको लोटा दिलवा दिया वहाँ से। आप कभी आए तो यही झरने से पानी भरो, जल चढ़ाओ, प्राकृतिक पल जल है ना, तो सभी ने हाथ लगाया रीत मीत गीत में। दोस्तों ये है व्यू पूरा, वहाँ मंदिर था, यहाँ पे आए, ये पूरा कुंड बना है, ऊपर से झरना आता है तो उसको कहते हैं गंगा महादेव, गंगा महादेव है, ऊपर से नदियाँ सब मिल के नीचे आ रही हैं, कई लोग नहा रहे हैं और हमारा भी बहुत मन है नहाने का। देखो प्राकृतिक सुंदरता की बात ही अलग हो सकती है, देखो कितना स्वच्छ माहौल है यार, इसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है सर। ये देखो रचना अच्छा लग रहा है, इधर आके फोटो खींचना यहाँ आके। दोस्तों वो है झरना, देखो यहाँ फिसलन बहुत है तो हम यहाँ से वीडियो नहीं बनाएंगे, ये देखो जरा भी फिसले तो बहुत बुरी चोट आ सकती है, तो ऐसे जगह पे हमको ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। एक ये है, कैमरा बंद कर दिया, जाना है देखो, जाना है जाना है गीत चले, गीत आ जाओ।
तो दोस्तों ये रास्ता इधर से पानी बहके इधर जा रहा है, देखो अंदर जंगल और भव्य नजारा होगा अंदर जाके अगर कोई आदमी वहाँ पे कैंपेनिंग करे। ये देखो यहाँ से वापिस से हम ऊपर चले आएंगे जहाँ से हम आए थे। तो ये था ओवरऑल व्यू, जो कि उम्मीद है आपको भी बहुत पसंद आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हर हर महादेव जरूर कर देना। देखो ऊपर गाय भी हैं, अरे रामलाल बोल सही कहाँ खड़ी है। दोस्तों अभी हम रुके हैं चाय की पीने के लिए, क्योंकि हमको तो चाय की बहुत तलब है। ये लोग तो चाय पीते नहीं, महक पिएगी चाय बस, है ना। सुधीर नहीं पीता, सुधीर ने कसम खाई है पता नहीं कब तक। मैं चाय पीता भी नहीं राइस। अरमान मलिक की तरह दूसरी शादी करेगा तब पिएगा चाय। रिएक्शन सही नहीं आ पाया। करना है क्या? नहीं करना। एक से थक गए। एक ही काफी। एक ही माथे आ रही। माथे आ रही। हे मीत। जेजे करो, जेजे। जेजे करो। जेजे करो। पानी फिनिश हो गया बेटा, पानी फिनिश हो गया। चॉकलेट नहीं खाना। रीत दिखाना इधर, जे जे करी आपने रीत गीत, आपने जे जे करी, अच्छा लगा वहाँ पे, मजा आया। ये किसने लगाया था? आंटी। आंटी ने लगाया। पापा, तो घर आ गए थे, थोड़ी देर घर रुके हैं और ये दोनों जा रहे हैं वापस। हमने बोला कि रात रुक जाओ, यहीं रात को कुछ करेंगे पार्टी सार्टी। थक गए मगर इनको घर जाना है, पूजा करनी है घर पे इनको। तो गीत अच्छा नहीं जाना ना। हाँ फिर भी जा रहे हैं तो बोले रुक जाओ, बोलो रुक जाओ, रुक जा, कहते रहिए नीचे मुंडी करके कह रही। क्या हुआ मीत, रुक जाए, रुक लो, रोक लो। अरे गीत मना करी मत जाओ, फिर भी जा रहे हैं। बाय कर दो, बाय, फिर आना है ना गीत, इंदौर जब भी आओ तब आना। गीत गीत मीत जो भी है अपना अपना नाम ले लो। गीत रीत तो तीनों में से एक पे चल रहा है। गीत आप जा रहे हो क्या? चलो नहीं जाना। तो आप रोक लो फिर, कहना रुक जाओ। नहीं जाना, नहीं जाना, गीत के लिए नहीं जाओ। फिर आएंगे बेटा ना, तुम आना। अब हमारे इधर आना चाहे थे ना, पहले कहाँ पर आए थे? पहले गए थे ना, आंटी भी थी वहाँ पे, चाचू भी थे, कचौड़ी खाई थी। कचौड़ी लेके आए हमारे, कचौड़ी। बाय, टेक केयर, ठीक है। कब आओगे फिर? हम जब आप बुलाएं। हम तो कल ही बुला लेंगे, कल ही आ जाओ। चलो ठीक है, बाय बाय। ठीक ठीक आओ, ठीक। हाँ हाँ बिल्कुल।